15 राज्यों में अप्रैल के अंतिम हफ्ते से पहले ही लू का कहर देखा जा रहा है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 5 दिन गंभीर स्थिति बनी रहेगी। पूर्वी यूपी से लेकर बंगाल, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में बुरा हाल है। तापमान अभी 2 से 3 डिग्री और बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने जलस्तर घटने का भी अलर्ट जारी किया है। हिटवेव की सीमा तब पूरी होती है जब मौसम केंद्र का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस, तटीय क्षेत्रों में 37 डिग्री और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री तक पहुंच जाता है और सामान्य से कम 4.5 डिग्री का विचलन होता है। यदि सामान्य तापमान से विचलन 6.4 डिग्री से अधिक हो जाता है तो भीषण लू की घोषणा की जाती है। प्रचलित लेकिन कमजोर हो रही अलनीनो स्थितियों के बीच IMD ने पहले अप्रैल से जून की अवधि के दौरान अत्यधिक गर्मी की चेतावनी दी थी, जब 7 चरण के आम चुनावों के दौरान लगभग 1 अरब लोगों द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने की उम्मीद है, जिससे हिटवेव के प्रति संवेदनशीलता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। मौसम कार्यालय ने कहा कि अप्रैल में देश के विभिन्न हिस्सों में लू के 4 से 8 दिन होने की संभावना है, जबकि सामान्य तौर पर 1 से 3 दिन हिटवेव वाले दिन होते हैं। अप्रैल से जून की पूरी अवधि में सामान्यतः 4 से 8 दिनों की तुलना में 10 से 20 दिनों तक लू चलने की संभावना है।